सभी को अब गुजरात के चुनाव परिणामों का इंतजार है। बेहतर चुनाव परिणाम के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने गुजरात में जमकर प्रचार प्रसार किया। बीजेपी के लिए जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने जमकर चुनावी रैलियां की, वहीं नए नए कांग्रेस अध्यक्ष बने राहुल गांधी ने भी खूब वोट मांगे। चुनाव आयोग द्वारा मतदान की तारीख घोषित किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के चुनावी महासंग्राम में 34 रैलियां की। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 30 जनसभाओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत 27 नवंबर को भुज, जसदान, धारी और ओलपाड़ से की। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने 29 नवंबर को मोरबी, सोमनाथ और नवसारी में वोट भी मांगे। 29 नवंबर के बाद प्रधानमंत्री ने 3 दिसंबर, 4 दिसंबर और इसके बाद 6 दिसंबर से 11 दिसंबर के बीच 19 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। राहुल ने मतदान की तारीखें घोषित किए जाने के बाद 2 नवंबर को वलसाड से अपने चुनाव कैंपेन की शुरुआत की। इसके बाद राहुल गांधी 3 नवंबर को सूरत, 11 नवंबर को साबरकांठा, 12 नवंबर को पालनपुर और पाटन, 13 नवंबर को महसाणा, 24 नवंबर को अहमदाबाद, 25 नवंबर को दहौड़, 29 नवंबर को अमरेली, 30 नवंबर को भावनगर, 5 दिसंबर को कच्छ, मोरबी, सुरेंद्रनगर और 8 नवंबर को आनंद, वहीं 9 दिसंबर को पाटन, बनासकांठा, वार्डनगर और 10 दिसंबर को खेड़ा, कलौल, तो 11 दिसंबर को बनासकांठा, वीरमगाम, वडोदरा और गांधीनगर में नजर आए। वहीं राहुल ने 12 दिसंबर को चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को निशाने पर लिया। चुनावी कैंपेन में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में अपने विकास कार्यों का बखान किया और कांग्रेस नेताओं के पाकिस्तान कनेक्शन निकाले, तो वहीं राहुल गांधी ने जीएसटी, नोटबंदी और किसानों के मुद्दों पर बीजेपी को घेरने की पूरी कोशिश की। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, गांधीनगर।